सुना देगी, ईवीएम में अपना फैसला कैद कर देगी। हम इस वक्त ग्रेटर कैलाश में हैं, एक ऐसा इलाका जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, दिल्ली का सबसे अमीर यहाँ पर रहता है, तो बहुत सारी अर्बन विलेजेस के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की जनता से हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है किरण बेदी के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर की जाए या नहीं, इसको लेकर बीजेपी में लगातार बवाल मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मनोज तिवारी का ये वर्जन आया है, ये बाइट आई है, ये उन्होंने कहा है कि किरण बेदी के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होगी। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं और कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री बाद में। उसी के अलावा आपको ये भी बता दें, जगदीश मुखी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, जिनके पोस्टर्स तक अरविंद केजरीवाल ने छपवा दिए थे, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि हालांकि स्टेट लीडरशिप को कंसल्ट नहीं किया गया किरण बेदी को लाने से पहले, लेकिन किरण बेदी के आने के बाद फायदा ही फायदा होगा। और साथ ही साथ इसी बवाल को लेकर एक और पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन ने कह दिया है, इन्वाइट किया है, स्वागत किया है कि क्यों नहीं कृष्णा नगर से उनकी सीट से किरण बेदी आकर चुनाव लड़ें। आपको ये भी बताते हैं, हमारे तीन वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस बुलेटिन में। हमारे साथ शिवानी त्यागी जुड़ेगी गीता कॉलोनी से, हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ने जा रहे हैं और साथ किरण बेदी के घर के बाहर से, और रजत राकेश टंडन जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस की पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। सबसे पहले संजय के पास चलते हैं। संजय, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार किरण बेदी के नाम को लेकर बस एक थप्पा, एक मोहर लगनी बाकी है। किरण बेदी ने तो पूरा संकेत दे दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन बीजेपी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए आंचल, आप जानती है बीजेपी में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सभी को किरण बेदी के दिल्ली में जिस तरीके से प्रोडक्शन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोई नहीं चाहता था, लेकिन आप मान के चलिए किरण बेदी ही दिल्ली की 22 सीएम होंगे बीजेपी की तरफ से। आप देख सकती हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, किरण बेदी जी इस समय बाहर आ चुकी हैं मीडिया के सामने और कई सारे चैनल और अखबारों को इस समय इंटरव्यू देने का प्लान कर रही हैं। उनका प्रोजेक्शन उसी लिहाज से किया जा रहा है जिस तरीके से किसी भावी मुख्यमंत्री का प्रोजेक्शन होता है आंचल। लेकिन हमारे बीजेपी के सूत्र अभी भी हमको यही बता रहे हैं कि बीजेपी में किसी तरह की कोई गुटबाजी न बढ़े, कला न बढ़े, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसी तरह की घोषणा या ऐलान होने की संभावना नहीं है। किरण बेदी के नाम पर ही बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा, जिस तरीके से चार राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी है, दिल्ली में मोदी प्लस बेदी, यह कहा जा रहा है कि मोदी और बेदी दोनों के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अधिकृत रूप से मोदी होंगे और अनऑफिशियली किरण बेदी के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। उनका प्रोजेक्शन उसी लिहाज से होगा जिस तरीके से किसी भावी मुख्यमंत्री के नाम का प्रोजेक्शन होता है। इस समय किरण बेदी के प्रोजेक्शन के लिए पूरी मीडिया की तैयारियां की जा रही है, सारे मीडिया प्लानर उनके यहीं पर घर पर बैठे हुए हैं, मैं उनके घर पर ही मौजूद हूं। सारे चैनल और सारे बड़े मीडिया ग्रुप, मीडिया हाउसेस को यहाँ पर लाइन से एक एक करके सभी को समय दिया जा रहा है ताकि किरण बेदी का प्रोडक्शन उसी लिहाज से मीडिया में बन सके आंचल। बिल्कुल, और किरण बेदी खुद कह रही हैं कि बीजेपी के पास चुनाव के लिए सबसे खूबसूरत चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का खुद है, लेकिन पार्टी के जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनवा दे। जगदीश मुखी ने क्या कुछ कहा और मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। श्रीमती किरण बेदी के ज्वाइन करने के पश्चात बीजेपी को काफी बल मिला है, जो उनकी अपनी एक इमेज है उसका पब्लिक में अच्छा असर है। और आपने देखा होगा उनके आने के बाद कई सर्वेज ने उनको बाकी सबसे आगे निकलते हुए भी बतलाया है। भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत पुरजोर स्वागत भी किया गया है। मेरा कहना है कि वो सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करी हैं और सीएम कैंडिडेट घोषित करने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है, तो वर्तमान में वो पार्टी में आई हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में है, उन्हें उसी रूप में लिया जाना चाहिए। देश ने 5 वर्षों के लिए नरेंद्र मोदी जी को चुना है, तो चलो चले मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी जी से सही में जो पाना है देश को, वो तभी संभव होगा जब केंद्र और राज्य दोनों मिले। तो उसी प्रकार से दिल्ली में भी जो लोग विधायक चुने जाएंगे वो लोग आपस में सीएम का चुनाव कर लेंगे, जो हमारे पार्टी के लीडर्स बैठेंगे।
तो सीधे चलते हैं संजय के पास। यहाँ पर चलो चले मोदी के साथ तो है, लेकिन किरण बेदी का अगर मिल जाए साथ तो फिर क्या बुरी बात होगी। संजय, कल बाकायदा टी पार्टी पे किरण बेदी ने 7 सांसदों को बुलाया बीजेपी के, उससे पहले मेयर से मुलाकात की थी। तो ये जो पूरा सिलसिला हो रहा है, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर किरण बेदी पूरी तरह एक्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी के भी कुछ सांसद वहां पर पहुंचे नहीं थे, आखिरकार उसके पीछे क्या कारण था? देखिए आजकल हमको ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले से ही बात की थी, उनको किसी प्रोग्राम में जाना था, इसलिए थोड़े से विलंब से आए। 2 सांसद और यहाँ पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब सारे सांसदों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आज शाम को 5 बजे से किरण बेदी का रोहिणी में रोड शो होने जा रहा है। लगातार 2 से 3 घंटे तक किरण बेदी का रोड शो चलेगा। ये बड़ी बात है, किसी बड़े स्टार प्रचारक, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आपने देखा होगा कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के रोड शो होते रहे, उसी लिहाज से उसी तरह से किरण बेदी का आज पहली बार दिल्ली में रोड शो प्लान किया गया दिल्ली भाजपा की तरफ से। ये वैसी तैयारी है जिसे किसी बड़े भारी नेता को ला करके उसका प्रोजेक्शन किया जाता है। अचल आज 4 बजे किरण बेदी यहाँ से दिल्ली भाजपा कार्यालय पहुंचेंगी, वहां पर उनके लिए नया कार्यालय तैयार किया गया। अचल नए कार्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। संजय, बहुत से लोग सूत्र ये बताते हैं बीजेपी के अंदर कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही है किरण बेदी। अभी तक औपचारिक घोषणा उनके नाम की नहीं हुई है, लेकिन वही समन भेजी है, चाहे वो टी पार्टी के लिए हो, चाहे मैच को बुलाने के लिए हो, तो ये बात थोड़ी खल रही है बीजेपी में लोगों को। देखिए आंचल, बीजेपी में कई सारे वरिष्ठ नेता हैं, कोई चुनाव के एंड टाइम पर किसी तरह की गुटबाजी ना उभरे, कोई कलह ना उभरे, इसलिए बीजेपी आज भी बचेगी। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, लेकिन हमारे सूत्र हमको यही बता रहे कि आज भी किसी तरह की घोषणा या ऐलान नहीं हो पाएगा। किरण बेदी को ही प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना है, लेकिन उनके नाम का ऐलान अधिकृत रूप से नहीं किया जाएगा, अनऑफिशियली किरण बेदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है। किरण बेदी का मैदान में उतरने के बाद से क्या है दिल्ली की जनता की राय? ग्रेटर कैलाश के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे, यहाँ पर बीआरटी की सबसे ज्यादा इलाके में समस्या है, 150 करोड़ रुपए खर्च हुए शीला दीक्षित का, ये बीआरटी नहीं ब्लंडर है, तो आप क्या चाहते हैं इस बार ये हटना चाहिए बीआरटी, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तमाम आए दिन आप देखेंगे यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं एक्शन हो रहा, ना प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही ट्रैफिक पुलिस। सबसे बड़ी समस्या इलाके की आपको क्या लगता है? बीआरटी भी समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या काफी बड़ी है। किरण बेदी के आने के बाद से आपको लगता है एकदम माहौल बदल गया है? किरण बेदी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि किरण बेदी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है, क्योंकि किरण बेदी पहली आईपीएस अफसर रही है हमारे देश की, और उनका नेतृत्व अगर दिल्ली को मिलेगा तो मुझे निश्चित तौर से लगता है कि प्रदेश का जो है ना वो कायाकल्प होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ईवीएम पे बटन दबाने जाएंगे दिमाग में मोदी का चेहरा होगा या किरण बेदी का? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार में मोदी सरकार है और वो विकास की तरफ पूरा ध्यान देगी, और विकास जो है वो अगर नेतृत्व मिलता है किरण बेदी जी का तो मुझे लगता है कि दोनों का मिला जुला जो है ना असर दिल्ली प्रदेश को लाभ देगा। अच्छा, तो झाड़ू और हाथ को पूरी तरह से आप भुला चुके हैं। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हमारे साथ ग्रेटर कैलाश के और भी लोग जुड़े हुए, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक का हाल बता रहे हैं, हर सीट का पोल आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहे हैं। अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो जरूर इन फोन नंबर पर फोन करें और हमें अपनी राय बताएं, और ये सबसे ताजा और फास्टेस्ट पोल है, हम अपने दर्शकों को बता दें। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की, जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली फोन करें और हमें अपनी राय बताएं, और ये सबसे ताजा और फास्टेस्ट पोल है, हम अपने दर्शकों को बता दें। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की, जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तो कल ही स्पष्ट हो गई थी। बड़ा सवाल ये था कि कौन उनकी जगह पर चुनाव लड़ेगा। अब ये खबर आ रही है कि सुरेंद्र शर्मा उनकी जगह पर गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रजत, जानना चाहेंगे आपसे, इस तरह की भी बात आई थी कि अरविंदर सिंह रवि अगर खुद चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो अपनी बीवी का नाम आगे करेंगे, ताकि अगर हार हो तो कम से कम वो फेस सेविंग उनके लिए हो जाए और उनका गढ़ रहा है, लेकिन सुरेंद्र शर्मा का नाम, क्या मायने निकाले जाए इसके?
देखिए साफ तौर पे जब लवली से कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए या फिर आप कहिए कि लवली ने खुद ये चीज बताई कि उनको पूरी दिल्ली में 70 सीटों पे काम करना है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लवली के ऊपर छोड़ दिया है। सूत्र हमें बताने कि सुरेंद्र शर्मा जो वहां से काउंसलर थे उनका नाम अरविंदर सिंह लवली ने आगे किया है और पार्टी इस पर आज की तारीख में फैसला ले लेगी कि सुरेंद्र शर्मा को गांधीनगर से लड़ाया जाए। जी और लवली के लिए इसको झटके के तौर पर देखा जाए या नहीं फिर रजत, क्योंकि खासे नाराज तो वो चल रहे हैं, भले ही अजय माकन कहे कि हारून यूसुफ लवली और उनकी जोड़ी बहुत पुरानी है, 15 साल पुरानी है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कसक तो होगी कि लवली मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो नाम है सुरेंद्र शर्मा का, ये नाम अरविंदर सिंह लवली की चॉइस का है। गांधीनगर से कौन चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, ये अरविंदर सिंह लवली पर छोड़ दिया है पार्टी ने। पार्टी ने ये तय कर लिया था कि अरविंदर सिंह लवली को अगर चुनाव वहां से नहीं लड़ाते हैं तो जो कैंडिडेट अरविंदर सिंह लवली आगे करेंगे उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। आप इस बात पर हैरत मांगे कि कई बार 1.5 महीने 2 महीने से ये नाम चल रहा था कि अरविंदर सिंह लवली की वाइफ वहां से कंटेस्ट कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ऑर्गेनाइजेशन को कार्यकर्ताओं को अहमियत देने की बात करी, CWC में साफ तौर पर कहा कि जितने बड़े नेता थे जितने महासचिव थे उन्होंने छोटे कार्यकर्ताओं को दरअंदाज किया, उस तरीके से ये चीज लगती है कि अगर यहाँ से एक ग्रास रूट लेवल का कोई आदमी निकाल के उसको लड़ाया जाए चुनाव तो उससे एक मैसेज अच्छा जाएगा बजाय कि अपनी वाइफ को अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ाए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है रजत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम शिवानी का रुख कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, आज जैसे कुमार विश्वास को उनके लिए एक जनसभा भी करनी है, आज बहुत हेक्टिक डे रहने वाला है शिवानी मनीष सिसोदिया के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखिए हम SDM ऑफिस में मौजूद हैं इस समय, यहाँ पे इंतजार हो रहा है, मनीष सिसोदिया आएंगे यहाँ पे अपना नामांकन फाइल करेंगे। साथ ही साथ जो इंडिया न्यूज पे जो खुलासा कल हुआ था कि जो फर्जीवाड़े की बात आई थी चंदा को लेके, जो लगातार साफ छवि की बात करते रहे, ट्रांसपेरेंसी की बात करती आई है आम आदमी पार्टी, तो वो सवाल भी पूछे जाएंगे मनीष सिसोदिया से। और यहाँ पे जनसभाओं का दौर भी जारी है, इंतजार यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पटवड़गंज विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंतजार था कैंडिडेट्स का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी डेट घोषित नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक खासा समय मिल गया अपने लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए। आज नामांकन फाइल करने आ रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो देखते हैं कि क्या मजमा होता है, क्या माहौल होता है, इसके लिए हम इंतजार करना होगा। जी शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ग्रेटर कैलाश की जनता जुड़ी हुई है, आम जनता जुड़ी हुई है, ग्रेटर कैलाश के ऊपर भी बात करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ की जनता का मूड जानने के लिए यहाँ पर पार्किंग, ट्रैफिक, BRT समस्या बस सुन लीजिए, नाम ले लीजिए और यहाँ की जनता त्रस्त है। हमारे साथ देव है यहाँ पर, जो एक स्मॉल टाइम बिजनेसमैन है, कितने स्मॉल टाइम बिजनेसमैन है ये नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या लगता है कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर, क्या एक्स फैक्टर जहर में क्या रहेगा जब वोट डालने जाओगे? जहर में तो ये रहेगा कि मोदी इज द ड्राइविंग फैक्टर एंड ही हैज बीन डूइंग फैंटेबुलस जॉब, नो डाउट अबाउट इट, सो लेट्स गिव हिम अ ट्राई, आई मीन गिव चांस टू यू नो परफॉर्म इन दिल्ली एज वेल, सो ही हैज ऑलरेडी परफॉर्म इन गुजरात। आपको लग रहा है कि लोकल फैक्टर इतना ज्यादा जहन में नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे शर्मिष्ठा को उतारा है, सौरभ भारद्वाज पिछली बार जीते थे वो आपको नहीं लगता है, बट मोदी ओवरऑल विकास ज्यादा बढ़ा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज़ ओवरऑल पिक्चर इफ यू सी, या हिंदी को सॉरी आई एम सॉरी अबाउट इट, तो मोदी के लिए लोग वोट डालेंगे, नो मैटर आप किसी को भी यहाँ से खड़ा कर दो, मतलब कैंडिडेट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी जो मोदी वेव चल रहा है उसी में जो सारे चल पड़ेंगे। जी 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 जी। और आप क्या कहेंगे कि अगर यहाँ की जनता वोट डालेगी तो वो दिल्ली को जहन में रखेगी, पीएम मोदी को जहन में रखेगी, या लोकलाइज फैक्टर यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या मैडम बहुत, यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा दिन रात क्राइम हो जा रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहूंगा केजरीवाल अगर दिल्ली के अंदर आता है तो लोगों की जो बड़े बड़े ऑफिसर है उनकी जेब भरना कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बाग इसलिए वोट नहीं देगा केजरीवाल को क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं आएगा, दो नंबर का काम बिल्कुल नहीं चलेगा उनका। आपने देखा होगा यहाँ पे से एक सराहट होती है, लाइसेंस के लिए भी 2,500 रुपए दिए जाते हैं। सुनो एक लाइन में बताना क्योंकि हमें ब्रेकिंग पे जाना है और ब्रेकिंग इसी से जुड़ी है। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी वाले कांग्रेस वाले सब पैसे देने आए, ले लो लेकिन वोट झाड़ू पे लगाओ, सही किया क्या? नहीं, ये तो गलत किया उन्होंने, ये मानने वाली गलत है, गलत किया है शायद, इसीलिए कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग में। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने शिकायत की है अरविंद केजरीवाल की, जिस तरह का बयान उत्तम नगर में अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैली में दिया था, ये कहा था कि बीजेपी वाले वोट देने आए, कांग्रेस पैसे देने आए और कांग्रेस पैसे देने आए तो पैसे ले लेना लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना, उन्होंने कहा था जनता का पैसा है।
तो बड़ा सवाल कांग्रेस ने उठाया था कि भ्रष्टाचार ये भी है एक तरह का, वो इसलिए क्योंकि आप दिल्ली की जनता को भ्रष्ट बता रहे हैं। ना सिर्फ ब्राइब देना यानी घूस देना एक जुर्म है बल्कि घूस लेना भी है, तो दिल्ली की जनता के ऊपर भी टिप्पणी किया, आरोप बीजेपी कांग्रेस पे लगाया। जी हमारे साथ रजत इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। रजत, जानना चाहेंगे आखिरकार कांग्रेस पैर पटकती हुई ईसी तक पहुंची गई इस शिकायत को लेकर। देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अजय माखन ने साफ तौर पर कहा था कि जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम इसकी कानूनी कार्रवाई की ओर देखेंगे। आज तक कोई बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया था, लिहाजा कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करी है। बाकायदा जो ऑडियो सीडीज थी वो तक इलेक्शन कमीशन को दी गई, और साफ तौर पे कहा गया कि जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से पैसे लीजिए लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को लीजिए, इस बात से परहेज था कांग्रेस पार्टी को, और इसी बात को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की शिकायत इलेक्शन कमीशन से अभी की है कुछ देर पहले। जी अच्छा, तो अभी एक नोटिस अरविंद केजरीवाल को मिला था जब सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब दूसरी शिकायत पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हमारे साथ जीके की जनता जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज चिल्ला के बता दीजिए, आप सब किस चीज पर वोट देंगे बता दीजिए सब। मोदी झाड़ू कांग्रेस। देखिए शर्मिष्ठा मुखर्जी, यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जी की जो बेटी है वो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पे, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आया। अजय कुमार मल्होत्रा यहाँ के कैंडिडेट पिछली बार थे जो कि विजय कुमार मल्होत्रा के बेटे हैं, चुनाव हार गए थे, उनको रिपीट किया जाएगा या नहीं सवाल है। और सौरभ भारद्वाज की झाड़ू पर ये एकमात्र आप वोट लगाने के लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमने जाना जीके की जनता का हाल, फिर हमारा काफिला जाएगा किसी और जगह पर आप तक वहां की जनता क्या कहती है ये पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।